राष्ट्रगान हमने तो अपने टाइम में 5 सेकंड 5 मिनट का है। दिल्ली में कहाँ पर? इंडिया गेट पे ही होता होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ निशा उप्रेती। इस बार पूरा देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड एक ऐसी देवभूमि है जहां पर हर युवा जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए जाता है, अपनी देश सेवा करना चाहता है। तो इसी को लेकर आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आए हैं हल्द्वानी में, जहां हम लोगों से पूछेंगे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में उनको कितना डिफरेंस पता है, इस बारे में उनको कितनी नॉलेज है, हमारा संविधान किसने लिखा था। इसी तरह के तमाम क्वेश्चन आज हम हल्द्वानी की जनता से पूछने जा रहे हैं। तो और देखेंगे कि हल्द्वानी की जनता जो है वो हमें कितने सवालों का जवाब देती है। मैं आपको बता दूं कि हम बच्चों से ही नहीं बल्कि बड़े लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हल्द्वानी की जनता कितना इस पर जानती है। चलिए, बहुत प्यारा सा बच्चा है हमारे साथ, इसे आएंगे। हाय। हाय बोलो। हाय। अच्छा, आपको पता है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? कल क्या है बता दीजिए जल्दी। बताओ बेटा। अच्छा, तो मैम चलिए आपसे पूछते हैं, 26 जनवरी और मैम 15 अगस्त में क्या डिफरेंस है? ये भी मुझे इतना पता ही नहीं। अच्छा चलो, 26 जनवरी को फ्लैग होस्ट कहाँ पर होता है? फ्लैग ध्वजारोहण जो होता है ना दिल्ली में कहाँ पर? इंडिया गेट पे ही होता होगा। इंडिया गेट पे ही होता होगा। हाय। हेलो, आपका नाम? सुएब, मोहम्मद सुएब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6B। अच्छा बताओ, 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है? 26 जनवरी पर हमारे देश के कानून लागू हुए थे और 15 अगस्त पर हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा 26 जनवरी पे हमारा संविधान लिखा गया था और 15 अगस्त पर हमारा देश आज़ाद हुआ था। सही है, ठीक है। अच्छा बताओ, राष्ट्रगान सुना है आपने? किसने लिखा था वो आपको पता है? रामनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, वंदे मातरम पता है? तुम्हें पता है वंदे मातरम? नहीं पता। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। अरे क्लैपिंग बजाओ, क्लैपिंग बजाओ भैया के लिए, वेरी गुड। और ये बताओ मुझे, 26 जनवरी में कहाँ पर फ्लैग होस्ट होता है? लाल किले पे। लाल किले पे आपको क्या लगता है? हमारा भी वही है। आपका भी वही है? यस। लाल किला सही बोला है इन्होंने? यस। अच्छा सही है, पक्का सही है। अच्छा ये बताओ, अपने स्कूल में क्या क्या होता है? हमारे स्कूल में रैली निकलती है और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार क्या हो रहा है? इस बार सिर्फ रैली निकल रही है। सिर्फ रैली निकल रही है। अच्छा ये बताओ, हमारे कोई जो हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे ना, जैसे भगत सिंह, इनके नाम पता है आपको? कुछ क्या पता है? जैसे सुभाष चंद्र बोस। और कौन थे? अच्छा ये बताओ, हमारे तिरंगा जो है कितने कलर होता है? 3 होता है? नहीं, 4 फोर होता है? 4 होता है? हाँ 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं? वाइट ग्रीन ऑरेंज और नीला बीच में। क्या बोलते हैं वो, ऐसे गोल गोल सा होता है ना कुछ? चरखा। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? पता नहीं। नहीं पता? आपको पता है? बहुत इजी है, सोचो कितनी तिल्लियाँ होती हैं उसमें। 24। कितनी होती है? 24। और एक बार जय हिंद बोल दो। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार जी, आपका नाम? अजीत। सर, जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में डिफरेंस क्या है? ये है कि 26 जनवरी को आती है, 15 अगस्त को ही आता है। दोनों क्यों मनाया जाता है? ये देश आज़ाद होता है इसलिए मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को हुआ था देश आज़ाद, 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को देश के लिए ये है कि कोई अच्छा दिन मानते हैं हम लोग। देश आज़ाद हुआ था इसी वजह से 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लिखा गया था। और ये बताइए, राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा था? या इतनी तो नॉलेज मुझे नहीं है। क्या कितने सेकंड का राष्ट्रगान होता है? राष्ट्रगान हमने तो अपने टाइम में 5 सेकंड 5 मिनट का है। 5 मिनट का? उम्र सारी नहीं, 52 सेकंड का होता है। हेलो, आपका नाम? मन्नत। मन्नत कौन सी क्लास में है? सेकंड में। अच्छा ये बताओ, जो हमारा तिरंगा होता है ना उसमें कितने कलर होते हैं? 4 कौन कौन सी? ऑरेंज, वाइट, ग्रीन एंड वो जो चक्र नहीं होता बीच का उसका होता है ये ब्लू होता है। और वो जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 होती हैं। अरे वेरी गुड, आपको तो सब पता है। और 26 जनवरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कौन सा डे मनाते हैं? थोड़ा तेज बोलो। रिपब्लिक डे। 13 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? सुबैर अहमद।
सर ये सबसे पहले ये बताइए कि 26 जनवरी 15 अगस्त में डिफरेंस क्या है? 26 जनवरी 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? शूट हो रहा है ना, शूट वीडियो शूट हो रही है ना मैम, इसके बारे में तो मालूम नहीं ज्यादा। अच्छा तो मैं बता देती हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। हाँ जी, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा संविधान लिखा गया था। राष्ट्रगान आपने सुना ही होगा, जनगण मन। हाँ, जनमन जनगण मन अधिनायक जय जी। हाँ, ये किसने लिखा था इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो जो आपने दो अभी मुझे सवाल किए थे ना वो मुझे मालूम था लेकिन जहन में नहीं आया मेरे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में हल्द्वानी की जनता कितना जानती है। इन सवालों में से कितने को जवाब आपको बता थे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 26 जनवरी की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में से इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राशा के साथ निशा उप्रेती, जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।